नमस्कार, आज आपसे बात करूंगा वीडियो में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय हंसराज कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेब गोष्ठी के विषय में। वेब गोष्ठी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे होने वाली वेब गोष्ठी, इसीलिए है इलेक्ट्रॉनिक वेब गोष्ठी, जिसे आप फेसबुक पर और गूगल मीट के माध्यम से आप इसको सुनेंगे और अटेंड करेंगे। जी हाँ, विषय इसका है भारतीय भाषाएं, अनुवाद और नई शिक्षा नीति, उपलब्धियां और चुनौतियां। इस 3 दिवसीय वेब गोष्ठी के विषय की संपूर्ण जानकारी, कितने हैं वक्ता, हर वक्ता का विषय, कितने हैं सत्र और क्या होगा आपको लाभ, और साथ ही साथ जो भी इसको 3 दिनों तक करेगा अटेंड उसको मिलेगा प्रमाण पत्र, इस बात का रखिएगा ध्यान। सिलसिलेवार तरीके से विषय वक्ता और विषय वक्ता दोनों की महत्ता को स्पष्ट करने की कोशिश मैं करूँगा, कितना कर पाता हूँ ये आप लोग मुझे बताएंगे। सबसे पहली चीज़ कि भारतीय भाषाएं और नई शिक्षा नीति, इस विषय पर होगी चर्चा 6 अगस्त को, क्योंकि 5 अगस्त को जो पहला दिन है उसमें वक्ताओं का इन शॉर्ट परिचय होगा। नई शिक्षा नीति, भारतीय भाषाएं और अनुवाद, और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो कि भारत सरकार का है उनके थोड़ा थोड़ा परिचय, और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इम्पैक्ट एंड कॉमन इंडियन पीपल्स एंड सभी तरह के लोगों पर, उस भाषा पर, अनुवाद पर, और भारतीय भाषाएं जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है आर्टिकल 7 की समवर्ती राष्ट्रीय सूची और राज्य सूची के अंतर्गत, उन सभी भाषाओं पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इन सभी पक्षों की थोड़ी थोड़ी चर्चा आपको 5 तारीख को पहले दिन के सत्र में सुनने को, समझने को मिलेगी। जब हम दूसरे दिन की बात करेंगे तो मूल रूप से जो बात रहेगी वह बात रहेगी भारतीय भाषाओं को लेकर, भारतीय भाषाएं और नई शिक्षा नीति। इसमें आपके समक्ष होंगे रजनीश कुमार शुक्ल, वर्धा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र, इनका संबंध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से है, और प्रोफेसर सत्र केतु जी इग्नू से संबंध रखते हैं। इन सभी वक्ताओं को आप सुनेंगे, और जिन वक्ताओं के मैंने नाम लिए इन वक्ताओं से मैं घनिष्ठता से, बेहद नज़दीक से सुना है, अध्ययन लिया है इनसे, और इनके वक्तव्यों के विषय में मैं इतना ही कहूँगा, अपने अपने विषय को एक तार्किक तरीके से जनता के समक्ष रखने की महारत हासिल है। चाहे रजनीश कुमार शुक्ल जी रहे हों वर्धा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं वर्तमान में, चाहे प्रोफेसर सत्य केतु जी रहे हों जो इग्नू से संबंध रखते हैं, भाषा और भाषा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी कहा है, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, गांधी ने भी कहा है, विवेकानंद, रोमारोला और APG कलाम साहब ने भी कहा है, क्योंकि भाषा की महत्ता ही और भाषा का वैज्ञानिक पक्ष ही आपको किसी भी समाज की नींव को मजबूत करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। इसीलिए इस कार्यशाला में भाषा को विशेष रूप से स्थान दिया गया है, और भाषा से ही जुड़ता हुआ विषय होता है अनुवाद का, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरी भाषा में लिखित साहित्य, लिखित दर्शन, लिखित विज्ञान इतना ज़बरदस्त हो कि आपकी भाषा को मजबूती प्रदान कर सके, आपके विज्ञान को मजबूती प्रदान कर सके, और आपके विज्ञान के पैमानों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सके। इसीलिए अनुवाद को भी शामिल किया गया है इस संगोष्ठी में, जो कि दूसरे दिन का विषय रहेगा 7 तारीख का, तीसरे दिन का विषय रहेगा 7 तारीख का, अनुवाद का, कि अनुवाद की क्या अवसर हैं और नई शिक्षा नीति में उस अनुवाद को कितना महत्व दिया गया है और नहीं दिया गया है। प्रोफेसर मनेज कुमार कोटड़िया जी होंगे जो कि निर्देशक हैं CSIR के, प्रोफेसर पूरन चंद टंडन होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, जो लोग संबंध रखते हैं हिंदी विभाग से, इस नाम से भली भांति परिचित होंगे, और डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण होंगे, शिक्षाविद हैं। तीनों ही वक्ताओं के विषय में इतना ही कहूँगा, शिक्षा, साहित्य और अकेडमिक जगत से रखते हैं संबंध, और जब व्यक्ति का संबंध शिक्षा से, अकेडमिक जगत से और कहीं ना कहीं साहित्य से संबंध होता है, तो व्यक्ति शिक्षा नीति को, साहित्य को,
अनुवाद को बेहतरीन तरीके से समझता है और यह भी समझता है कि इन सभी विषयों का भविष्य में और वर्तमान में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उससे भरी बात भी परिचित हो सकता है। प्रोफेसर पूरन चंद टंडन को ज़रूर से ज़रूर सुने और योगेंद्र नाथ शर्मा जी को भी सुने, क्योंकि एक व्यक्ति का संबंध शिक्षा से है, एक व्यक्ति का संबंध साहित्य और अनुवाद से है। जब आप शिक्षा, साहित्य, अनुवाद के विषय को समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, प्रारंभ में यह विषय आपको बेहद ही ऑटोनॉमस लगता है, बोरियत वाला लगता है, दिमाग को झकझोरने वाला लगता है, लेकिन जैसे ही आप विषय के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो आपके अंतर्गत विषय खुलता हुआ चला जाता है। और जब विषय खुलता है, बिल्कुल वही मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री का नियम लागू होता है कि यदि आपने फॉर्मूला ठीक लगाया है सवाल को निकालने के लिए, तो सवाल निकालने का आपका इंटरेस्ट बेहद अच्छा हो जाता है, सुलभ हो जाता है। और जब हम बात करते हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की, यह तीसरी संगोष्ठी है जो हंसराज कॉलेज के सहयोग से करवाई जा रही है, कि विज्ञान और शब्दावली यानी कि जो तकनीकी शब्दावली है जिसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्या हमने हिंदी भाषी लोगों के लिए ऐसे शब्दों का निर्माण किया है, ऐसी शब्दावलियों का निर्माण किया है जिसे हम तकनीक के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, तब सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके बहुत से भ्रम खंडित होंगे। आपको पता लगेगा कि भारत सरकार का यह विभाग कितने उच्च स्तर का काम कर रहा है, चाहे साहित्य हो चाहे अनुवाद हो, और नई शिक्षा नीति का कितना लाभ इसको मिलने वाला है भविष्य में, उन सभी की जानकारी आपको उसकी वेबसाइट पर भी मिलेगी। तो हर वक्ता के विषय में दो मिनट बोलना संभव नहीं है, विषय पर बोलना भी संभव नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, आप इसी वर्कशॉप में डॉक्टर आनंद कुमार को भी सुनेंगे जो सुपर 30 जैसा इंस्टीट्यूट चलाते हैं बिहार में, और आप साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कुलपति को भी सुनेंगे, और आप रमा मैम को भी सुनेंगे जो प्राचार्या अर्थात प्रिंसिपल हैं हंसराज महाविद्यालय की। याद रखिएगा और समझिएगा, तो 5-6-7 अगस्त को होने वाली इस ई गोष्ठी में सभी हों शामिल। आज है 4 अगस्त, आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन इसका अभी भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। जो सूचनाएं मैंने आपको दी हैं उसको लेकर कोई सवाल है, कोई विचार है, कोई द्वंद है, कोई कंफ्यूजन है, या किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति को कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर करें। और आने वाले 3 दिनों में मैं 3 फेसबुक लाइव करने वाला हूँ नई शिक्षा नीति के 7 भागों को लेकर, क्योंकि 7 पार्ट्स में मैंने उस पॉलिसी को बांटा है, तो उसके लिए आप उसको भी सुने। और साथ ही साथ संस्कृत सप्ताह पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसको लेकर कई प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं, उसको भी ज़रूर अटेंड करें। और इस वीडियो को शेयर इसीलिए करें, यदि आपको लॉजिक के साथ बातें लगी हों, आपको लगती है कि इस वेबिनार को अधिक से अधिक लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, नई शिक्षा नीति का प्रभाव भाषाओं पर, अनुवाद पर, आपके रोजगार पर और आपकी शिक्षा पर और आपकी डिग्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा नई शिक्षा नीति का, इसको यदि आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वेबिनार को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक अनलाइक सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कुछ भी करें, और कम से कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना विषय ज़रूर लिखें। यदि आप विषय लिखेंगे अपना तो मुझे सवाल का जवाब देने में बेहद आसानी होती है। तो यह सूचना आपको मैंने दी, कितना पसंद किया आपने वो मुझे बताएंगे। अगले वीडियो का वेट करें और इस वीडियो में मुझे विदा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।